जय जगन्नाथ दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सोनी की चैनल लाइफस्टाइल में। आज हम बनाएंगे पनीर बटर मसाला एक नए तरीके से, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। ये बनाना बहुत आसान है और खाने में बहुत यम्मी लगता है। रेसिपी शुरू करने से पहले आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। ये रेसिपी बहुत ईजी है, आप इसको रोटी, चावल या नान के साथ सर्व कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। इसके लिए हम ग्राइंडिंग जार में लेंगे 8 या 10 काजू, जो कि मैंने पहले से पानी में भिगो के रखी थी। अब इसमें हम डाल देंगे पनीर के पीसेस, इससे हमारे ग्रेवी में एक क्रीमी टेक्सचर आएगा। अब हम डाल देंगे अदरक और लहसुन पीसेस, और थोड़ा सा हम ग्रीन चिली भी डाल देंगे। अब हम डाल देंगे टमाटर, यहाँ पे मैंने एक बड़ा टमाटर यूज करी है। अब इसका हम एक पेस्ट बना करके रेडी करेंगे। अब हम पैन में डाल देंगे बटर, बटर को हम मेल्ट करने के लिए छोड़ेंगे पैन में। बटर अब मेल्ट हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे 3 टेबलस्पून तेल। आप चाहे तो सिर्फ तेल में भी बना सकते हैं या फिर सिर्फ बटर में भी बना सकते हैं। बच्चे लोगों को तो पनीर बहुत पसंद है, इसी तरह से आप पनीर बनाएंगे तो सबको बहुत पसंद आएगा। अब हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून या फिर टीस्पून जीरा। अब डाल देंगे थोड़ा सा इलायची, फिर से इसको हम थोड़ी देर भूनेंगे। थोड़ी देर भून जाने के बाद हम इसमें डाल देंगे फाइनली चॉप्ड लहसुन, इसको भी हम थोड़ी देर भूनेंगे। लहसुन हमारा भून जाने के बाद हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ कैप्सिकम और प्याज को भी हम डाल देंगे। ये सभी चीजों को हम अच्छे से भुनेंगे। कैप्सिकम का पीसेस आप थोड़ा बढ़ाए रखिए इस रेसिपी में। थोड़ी देर भून जाने के बाद हम इसमें डाल देंगे नमक। नमक आप अपने हिसाब से डालिए। नमक डालने के बाद ये सभी चीजें अच्छे से भून जाएगा। फिर इसमें हम डाल देंगे हल्दी पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर। इन मसाले को भी हम उसमें थोड़ी देर भूनेंगे। ये सारे चीजें हमारा भूनकर रेडी हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे जो ग्राइंड करके पेस्ट रखे थे उसको डाल देंगे। इसको डालने के बाद हम इसको फिर से थोड़ी देर भूनेंगे। जब तक हमारे मसाले से घी या तेल छूटना शुरू नहीं हो जाता है तब तक हम मसाले को भूनेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे करी पाउडर, लास्ट में हम डाल देंगे गरम मसाला। इसको डालने के बाद हम अच्छे से मिलाएंगे और थोड़ी देर फिर से भूनेंगे। अब हम लास्ट में डाल देंगे कसूरी मेथी, इससे ग्रेवी में एक बहुत अच्छा खुशबू और टेस्ट भी आता है। इसको भी डालने के बाद हम थोड़ी देर फिर से भुनेंगे। आपका मसाला जितना अच्छा भुनेंगे आपका ग्रेवी उतना अच्छा बनकर रेडी होता है। थोड़ी देर ढककर हम इसको छोड़ देंगे। अब हम ढक्कन निकालेंगे, उसको फिर से हम चलाएंगे। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़े गाजर। गाजर डालकर अच्छे से मिलाने के बाद हम इसमें डाल देंगे पनीर क्यूब्स।
फिर से हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। पनीर और सभी चीज़ों को मसाले के साथ अच्छे से मिलाएंगे। अब हम लास्ट में डाल देंगे पानी और थोड़ा सा शुगर भी डाल देंगे। ये सारी चीज़ें बॉईल हो जाने के बाद हम लास्ट में डाल देंगे थोड़ा सा अमूल क्रीम या फिर घर की मलाई। इन सभी चीज़ों को डालकर अच्छे से मिला देंगे और थोड़ी देर बॉईल करने के लिए हम छोड़ देंगे। 10 मिनट उसको छोड़ देंगे बॉईल करने के लिए। ये हमारा पनीर का रेसिपी बनकर रेडी हो चुका है। अब इसका हम प्लेटिंग भी कर चुके हैं। आप इसको राइस के साथ या फिर रोटी, नान के साथ, पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।